नमस्कार दोस्तों, आयकर यानी इनकम टैक्स का नाम आते ही चेहरे पर मुस्कान आना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कभी कभी ये स्माइली सेक्शन 80C के रूप में प्रकट होता है। व्हाट डू आई मीन टू से माय डियर फ्रेंड्स, 80C इज वन ऑफ दोज सेक्शंस व्हिच ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू द असेसीज एट लार्ज बिकॉज इट रिड्यूसेस योर टैक्स लायबिलिटी। सो आई थॉट दैट व्हाई नॉट वी शुड हैव अ डिस्कशन ऑन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसलिए दोस्तों आज आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो दोस्तों मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न जिनका आंसर मैं इस वीडियो के थ्रू आपके सामने रखना चाहता हूं, लाइक व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80C। इस सेक्शन का मूल उद्देश्य या बेनिफिट कैसे निकल के आता है? हु इज एंटाइटल्ड टू क्लेम इफ यू आर अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट? क्या 80C पर कोई फर्क पड़ता है क्या? Which income is eligible for deduction under section 80C? कौन सी इनकम पर सेक्शन 80C का डिडक्शन मिलता है, किस पर नहीं मिलता? What are the various eligible contribution और expenses? एक लंबी लिस्ट है, वो आपके सामने सार में संक्षेप में रखने की कोशिश करूंगा। Whether transactions और the cash contributions are allowed for claiming section 80C? क्या 80C के contribution आप कैश बेसिस पर भी क्लेम कर सकते हैं क्या? What is the composition of family for claiming डिडक्शन और द कॉन्ट्रीब्यूशन? वेदर टाइमली फाइलिंग ऑफ द ITR इज मैंडेटरी टू क्लेम द डिडक्शन? एंड कैन डिडक्शन बी क्लेम एट द टाइम ऑफ असेसमेंट? तो इन्हीं कुछ प्रश्नों के अराउंड सर आज का डिस्कशन लेके आगे बढ़ता हूं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80C? नाउ दिस कैन बी आंसर्ड बाय यू आल्सो। आप भी मुझे आंसर दे सकते हैं कि भाटिया जी, 80C हमारी ग्रॉस टोटल इनकम में से घट जाता है। यानी आपकी मान लीजिए ग्रॉस टोटल इनकम है 10 लाख और आपको पता है कि 80C 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है, तो 10 लाख माइनस 1.5 लाख, इस प्रकार से 80C आपकी टोटल इनकम को कम करता है। अब ये टोटल इनकम को कम करना एक प्रकार से आपको टैक्स सेविंग देता है। तो 80C दोस्तों जो आपको टैक्स बेनिफिट दे रहा है उसकी रेट 10% भी हो सकती है, 5% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, 30% भी हो सकती है। तो आप कहेंगे भाटिया जी कैसे? सपोज फॉर एन एग्जाम्पल किसी व्यक्ति की ग्रॉस टोटल इनकम है 18 लाख और उन्होंने 1.5 लाख रुपीज का डिडक्शन क्लेम किया, तो क्योंकि उनके 18 लाख में जब 1.5 लाख रुपए बचता है तो उनको 30% टैक्स की बचत होती है। अब मान लीजिए किसी की ग्रॉस टोटल इनकम है फॉर एन एग्जाम्पल 6.5 लाख और मैं अगर पुराने स्लैब की बात करता हूं तो 6.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो इनकम है उस पर 20% टैक्स लग रहा है, तो उन्हें टैक्स की बचत कितनी हुई? 20%। तो इट वुड डिपेंड अपॉन कि आप किस स्लैब में हैं, उस हिसाब से 80C आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। एक बात दोस्तों आपके सामने यहां रखना चाहता हूं, सेक्शन 80C इज अ डिडक्शन विच रिड्यूसेस द टोटल इनकम ऑफ द असेसी, दैट मींस सेविंग टैक्स लायबिलिटी देयर ऑन। हाउएवर द बेनिफिट ऑफ टैक्स सेविंग अंडर सेक्शन 80C मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट टैक्स सेविंग पर्पजेस। द प्रेजेंट कैपिंग ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज 1.5 लाख। तो आपकी स्लैब रेट के हिसाब से सर इसका फर्क अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टैक्स सेविंग जो आप 80C में कॉन्ट्रीब्यूशन करके ले सकते हैं वो 1.5 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन करके ली जा सकती है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है, हु इज एंटाइटल्ड टू क्लेम, वेदर अ नॉन रेजिडेंट कैन ऑल्सो क्लेम? तो पहली बात, ओनली एन इंडिविजुअल एंड HUF में क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, यानी केवल इंडिविजुअल और HUF ही ऐसे करदाता है जिन्हें 80C का बेनिफिट मिलेगा। अगला प्रश्न, हाउएवर द पर्सन क्लेमिंग द डिडक्शन मे बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। कितनी इंपॉर्टेंट बात है सर कि अगर आप नॉन रेजिडेंट असेसी भी हैं, इंडिविजुअल और HUF हैं, तो भी आप सेक्शन 80C का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, विच इनकम इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C? जैसे मान लीजिए आपके पास सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स की इनकम है, क्योंकि ये 5 हेड में इनकम दोस्तों आती है। तो मैं आपके सामने एक चार्ट फॉर्मेट में रखता हूं कि इनकम विच इज एलिजिबल इन माई ओपिनियन वुड इंक्लूड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यानी आप मान के चलिए आपकी सारी इनकम पर 80C का डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी इनकम है जो कि एलिजिबल नहीं है 80C का डिडक्शन लेने के लिए, वो कौन सी है? फॉर एन एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 112 में 20% रेट पर टैक्सेबल होते हैं, उस इनकम के अगेंस्ट आप 80C का 1.5 लाख का डिडक्शन नहीं ले सकते। ऐसे ही दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 112A में सब्जेक्ट टू STT लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपको हो 10% रेट पर टैक्सेबल, उसमें से आप
एटीसी का डिडक्शन नहीं ले सकते। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 111A में 15% की रेट पर टैक्सेबल है, उस इनकम में से दोस्तों एटीसी नहीं मिल सकता। कैजुअल इनकम जो जैसे लॉटरी की इनकम, क्रॉसवर्ड पजल की इनकम, कौन बनेगा करोड़पति काइंड ऑफ इनकम, इनमें से भी दोस्तों एटीसी के डिडक्शन नहीं मिलते। और अगर सेक्शन 68 टू 69 डी में कोई इनकम है जिस पर 60% टैक्स रेट लगता है, उस इनकम पर भी दोस्तों जनरली आपको एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है, सार के रूप में कहूं तो स्पेशल रेट पर अगर कोई इनकम टैक्सेबल होती है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल नॉन रेजिडेंट के केस में भी स्पेशल रेट की इनकम कुछ होती है, वहां पर जनरली दोस्तों एटीसी के डिडक्शन आपको नहीं मिलते। अब आपके सामने रखता हूं सर के व्हाट आर द वेरियस एलिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशंस और एक्सपेंसेस, जो आपको भी पता होंगे लेकिन एक बार क्विकली आपकी नजर से इनको गुजारता हूं। लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट्स फॉर सेल्फ एंड फैमिली, ध्यान से सुनिएगा सर, फैमिली की एक लिमिटेड परिभाषा है यहाँ पर, बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है जिसे मैं आगे क्लियर करूंगा। जैसे मैं एक सरल उदाहरण में बोलूं कि मान लीजिए मैं मेरी मदर के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना चाहता हूँ लाइफ इंश्योरेंस का, तो क्या मुझे एटीसी का डिडक्शन मिलेगा? नहीं। मैं अपनी स्पाउस के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा तो ही मुझे एटीसी मिलेगा। पेमेंट ऑफ डेफर्ड एनुटी फॉर सेल्फ और फैमिली दे आर अलाउड। Contribution to Provident Fund, Recognized Provident Fund, CPF, GPF, they are allowed. Contribution to Public Provident Fund for self and family member is allowed to be claimed under Section 80C. Contribution to Approved Superannuation Fund is also allowed to be claimed under Section 80C. Contribution to Unit Linked Insurance Plan for self or family member is allowed. Family ki definition ko aapko dhyan rakhna hai. Contribution to Pension Fund set up by a mutual fund or National Housing Board is allowed. Contribution to approved annuity plan of LIC or other insurer is also allowed to be claimed under Section 80C. List आगे continue कर रहा हूं दोस्तों। Residential house property purchase या construction related निम्न payment जो आपके सामने रख रहा हूं वो allowed हैं ATC में claim करने के लिए, जैसे installment और part payment of amount ड्यू अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी और हाउसिंग बोर्ड। से फॉर एग्जाम्पल मैंने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से कोई पर्टिकुलर मकान खरीदा और उस मकान को मैंने किस्तों में खरीदा है, तो मैं हर महीने सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में कोई पर्टिकुलर पेमेंट कर रहा हूँ प्रिंसिपल का, तो वो प्रिंसिपल सर मुझे अलाउड होगा एटीसी में। इंटरेस्ट क्यों नहीं अलाउड होगा दोस्तों? क्योंकि इंटरेस्ट सेक्शन 24 क्लॉज बी में मिलता है। इंस्टॉलमेंट और पार्ट पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू एनी कंपनी और कॉपरेटिव सोसाइटी ऑफ विच असेसी शेयर होल्डर और मेंबर टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अलॉटेड टू हिम। रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट बोरोड बाय द असेसी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कॉपरेटिव सोसाइटी, कॉपरेटिव बैंक, LIC, नेशनल हाउसिंग बैंक, पब्लिक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, कॉपरेटिव सोसाइटी विच इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। असेसी के एम्प्लॉय which is an authority, board, corporation, public company, public sector company, university and affiliated college, local authority, cooperative society, etc. और दोस्तों अगर आप stamp duty का भुगतान करते हैं किसी property के संदर्भ में या registration fees किसी residential house property के संदर्भ में, तो उसका भी जो contribution आपने, जैसे for an example मैंने इस साल एक flat खरीदा 25 लाख का और उस flat की registry कराई दोस्तों, उस रजिस्ट्री में मान लीजिए मेरे 1.25 लाख रुपए खर्च हो गए, तो ये 1.25 लाख रुपए का अमाउंट मैं सेक्शन 80C में क्लेम कर सकता हूं। कंप्लीट लिस्ट क्या है? ये कहा गया कि कोई एडमिशन फीस, कॉस्ट ऑफ शेयर, ठीक है, मैं इन एक्सक्लूजन को यहां पर पढ़ देता हूं। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, अदर एक्सपेंसेस फॉर द पर्पजेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी टू द असेसी बट शेल नॉट इंक्लूड, आगे की लिस्ट में जो आइटम है वो इंक्लूडेड नहीं, एडमिशन फीस, कॉस्ट ऑफ शेयर, इनिशियल डिपॉजिट विच अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी और मेंबर ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी हैज टू पे फॉर बिकमिंग सच शेयर होल्डर और मेंबर। जैसे मान लीजिए हम फ्लैट्स जब खरीदते हैं तो हमें किसी सोसाइटी को भी मेंबर बनना पड़ता है, मान लीजिए फ्लैट्स हैं तो कॉपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप लेने के लिए आपने जो पेमेंट किया वो एटीसी में एलिजिबल नहीं है। कॉस्ट ऑफ एनी एडिशन और ऑल्टरेशन टू और रिनोवेशन और रिपेयर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विच इज कैरिड आउट After the issue of completion certificate in respect of house property by the authority competent to issue such certificate or after the house property or any part thereof has either been occupied by the assessee or any other person on his behalf or has been let out, यानी एक बार आपका मकान तैयार हो गया,
उसके बाद में आपने उसके रिनोवेशन, रिपेयर, एडिशन या ऑल्टरेशन पे जो खर्चे किए वो अलाउड नहीं होंगे। ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो सेक्शन 24 में अलाउबल होगा वो भी 80C में नहीं जाएगा। इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी फॉर द बोरोड कैपिटल इंटरेस्ट। तो बोरोड कैपिटल का इंटरेस्ट दोस्तों क्योंकि 24B में मिलता है, उसका डिडक्शन आप 80C में नहीं ले सकते। लिस्ट आगे कंटिन्यू है सर आपके लिए। ट्यूशन फीस एक्सक्लूडिंग एनी पेमेंट टूवर्ड्स एनी डेवलपमेंट फीस, डोनेशन और पेमेंट ऑफ सिमिलर नेचर, यानी आप केवल और केवल ट्यूशन फीस का डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई डेवलपमेंट फीस, डोनेशन या अदर सिमिलर पेमेंट नहीं आएंगे, वेदर एट द टाइम ऑफ एडमिशन और देयर आफ्टर। चाहे एडमिशन पर आप दे रहे हैं आप ये पेमेंट या अदरवाइज दे रहे हैं, ट्यूशन फीस के अलाउड होंगे। किसको? यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन इंडिया, यानी इंडिया से बाहर के किसी इंस्टीट्यूशन को अगर दे रहे हैं सर तो 80C का डिडक्शन ट्यूशन फीस में नहीं मिलेगा। एंड फॉर द पर्पस ऑफ फुल टाइम एजुकेशन फॉर एनी पर्पस स्पेसिफाइड इन एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 4, आपको फुल टाइम एजुकेशन के लिए खर्चा करना है ट्यूशन फीस का। इसलिए दोस्तों अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आप ट्यूशन फीस का पेमेंट करते हैं, प्राइमा फेसाई मेरी ओपिनियन में 80C में अलाउड नहीं होगा। पब्लिक डिपॉजिट स्कीम ऑफ हुडको, 5-year term deposit with a scheduled bank post office, deposit in senior citizen saving scheme is also allowable to be claimed under section 80C. एक और बात दोस्तों मैं पिछली लिस्ट में लेना रह गया, सुकन्या समृद्धि योजना में भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी 80C में अलाउड होगा। अगला प्रश्न मेरा है whether cash contributions are allowed to be claimed under section 80C. प्राइमा फेसाई दोस्तों जिस प्रकार सेक्शन 80G में रिस्ट्रिक्शन है कि 2000 से ऊपर का आप कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं किसी संस्था को तो आपको कैश 2000 से ज्यादा देने पर 80G का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन 80C में एज सच नहीं है। इट मींस फॉर एन एग्जांपल आपने LIC पॉलिसी का 25,000 का प्रीमियम कैश पे कर दिया, हालांकि कैश पेमेंट जनरली हमें अवॉइड करने चाहिए, लेकिन अगर आपने कर दिया तो 80C क्लेम करने से आपको नहीं रोका जा सकता, यानी यू कैन क्लेम सच पर्टिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशन विच यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन कैश इवन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 80C। अब दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन रख रहा हूं, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फैमिली फॉर क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला था कि सर फैमिली टर्म को ध्यान से समझिएगा। फॉर पेमेंट इन द नेचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यूलिप पेमेंट्स इन द केस ऑफ इंडिविजुअल द स्पाउस एंड एनी चिल्ड्रन विच मे बी माइनर और मेजर, वेरी इंपॉर्टेंट सर। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पिताजी जिनकी उम्र 65 साल है, मेरी उम्र 43 ईयर्स है, वो मेरे लिए LIC पॉलिसी का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तो भी सर वो क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। एंड इन द केस ऑफ HUF, क्योंकि HUF को भी LIC पॉलिसी के कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है, अगर HUF अपने मेंबर के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करती है तो भी सर 80C का डिडक्शन ले सकती है। फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड इन सुकन्या समृद्धि योजना फॉर द इंडिविजुअल और यानी इंडिविजुअल स्वयं महिला है या फॉर द गर्ल चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड ऑफ होम द इंडिविजुअल इज अ लीगल गार्जियन, उनका डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। फॉर ट्यूशन फीस द पेमेंट ऑफ एनी टू चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल। अब आप देखिए मजेदार बात क्या है, अगर मैं अपने स्वयं के किसी पढ़ाई के लिए ट्यूशन फीस का पेमेंट कर रहा हूं तो यहां पर लगता नहीं है 80C का डिडक्शन मिलेगा। ट्यूशन फीस का डिडक्शन केवल बच्चों के लिए, जो आपके बच्चे हैं सर उनके लिए ही कॉन्ट्रीब्यूशन करने पर 80C डिडक्शन मिलता है। Whether timely filing of ITR is mandatory to claim the deduction under section 80C is a very important question. My dear friends, सेक्शन 139 आपको ITR फाइलिंग की टाइम लिमिट देता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ड्यू डेट है जो 31 जुलाई से बढ़ा करके 30 सितंबर कर दी गई। अगर आपने 30 सितंबर तक रिटर्न नहीं भरी, लेट भरी, तो भी क्या आपको डिडक्शन लेने के लिए आप हकदार हैं? या आपने ITR ही नहीं भरी और कभी भविष्य में आपका असेसमेंट होता है तो भी क्या आप 80C का डिडक्शन लेने के लिए हकदार हैं? मेरी ओपिनियन में सर आपको 80C का डिडक्शन लेने से इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि आपने ड्यू डेट पर रिटर्न नहीं भरी। मींस इवन इफ यू डिले योर रिटर्न और यू डोंट फाइल योर रिटर्न, यू आर एंटाइटल टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80C, वेरी इंपॉर्टेंट। परंतु सर एक बात जरूर बोलूंगा, अगर आपने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल LIC का कॉन्ट्रीब्यूशन करना था 31 मार्च तक, पर आपने 31 मार्च तक पॉलिसी में प्रीमियम जमा ही नहीं करा, चाहे चेक से चाहे कैश, तो आप उस कॉन्ट्रीब्यूशन को रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में लेने के लिए हकदार नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए।
हालांकि दोस्तों इस प्रश्न का मैंने उत्तर पहले ही दे दिया, फिर भी इसका आंसर यहां देता हूं। कैन डिडक्शंस बी क्लेम्ड एट द टाइम ऑफ असेसमेंट? फॉर एन एग्जांपल, आपका असेसमेंट डिपार्टमेंट ने खोला क्योंकि आपने रिटर्न नहीं भरी, या आपने रिटर्न भरी, अब आपका असेसमेंट खुला पर आपने अपनी रिटर्न में सेक्शन 80C का डिडक्शन ही नहीं क्लेम किया। अब क्या आप असेसमेंट के समय पर, एट द टाइम ऑफ असेसमेंट, वेदर इट मे बी एन असेसमेंट ऑफ सेक्शन 143 और 147, क्या अब आप वहां पर 80C के डिडक्शन ले सकते हैं? मेरी ओपिनियन में सर, डिडक्शन क्लेम किए जा सकते हैं। अगर आप असेसमेंट के टाइम भी डिडक्शन की डिटेल एओ को देंगे तो उनकी लायबिलिटी है, आपको वो डिडक्शन अलाउ करेंगे। दोस्तों यहां क्वेश्चन रख रहा हूं, विड्रॉल ऑफ डिडक्शन प्रीवियसली अलाउड, कुछ विशेष परिस्थितियों में जो पहले से आपको डिडक्शन मिला है वो रिवर्स हो सकता है। जैसे आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर ली 2 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम देने से पहले, तो मान लीजिए मैंने पहले साल में प्रीमियम दिया, 80C लिया, दूसरे साल में मैंने प्रीमियम दे ही नहीं रहा, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों जो पहले साल का प्रीमियम है, मैंने दूसरे साल में मान लीजिए पॉलिसी ही खत्म करा दी, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों जो पहले साल में मैंने 80C का कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन लिया LIC के लिए, वो सेकेंड ईयर में फिर टैक्सेबल हो जाएगा। जहां कोई यूलिप पॉलिसी 5 साल से पहले टर्मिनेट कर दी, तो जो यूलिप का कॉन्ट्रीब्यूशन का मैंने 80C डिडक्शन लिया था वो रिवर्सिबल होगा। अगर मकान संपत्ति 5 साल से पहले बेच दी, ट्रांसफर कर दी, तो जो मैंने मकान संपत्ति संदर्भ में पहले कॉन्ट्रीब्यूशंस का डिडक्शन लिया, आपके साथ डिस्कशन किया, वो टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर कोई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट मैंने 5 साल से पहले ब्रेक करा दी, तो जो कॉन्ट्रीब्यूशंस का डिडक्शन दोस्तों मैंने लिया, वो भी मेरा 80C के पर्पजेस से जो पहले डिडक्शन मिला था वो डिसअलाउ हो गया, यानी अब टैक्सेबल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि 80C पर, हालांकि ये थोड़ा सा लंबा डिस्कशन था, पर बहुत इंपॉर्टेंट है 80C के डिडक्शंस के नेचर को समझना और उससे जुड़े एस्पेक्ट्स को समझना। तो आई होप दिस वीडियो वुड हैव बीन एबल टू गिव यू गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल सच पॉइंट्स। फिर भी आपका कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने की भरपूर कोशिश करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।